हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स, उसका ये कंटिन्यूटी में वीडियो नंबर 5 है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो क्या है, हमको कुछ रैशनल नंबर दिए हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, हमको उनको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और फिर हमको डेसिमल का टाइप भी बताना है कि वो किस प्रकार का डेसिमल है। डेसिमल कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगर डिवाइड करते वक्त पॉइंट के आगे डेसिमल पूरा खत्म हो जाता है, फाइनली रिमाइंडर जीरो आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है डिवाइड होता जाता है, कंटिन्यूस डिवाइड खत्म नहीं होता, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग होते हैं और एक नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जो रैशनल नंबर है अपॉन में अगर कोई भी नंबर हो गया इस प्रकार से, अगर कोई भी नंबर लेता है और अगर वो खत्म नहीं हो रहा है तो रिपीट पक्का होगा, समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर का डेसिमल दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग पक्का होगा, तो वो टाइप भी बताना साथ में, क्लियर। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर दिया है 36/100, नीचे अगर 100 हो, 10 हो, 1000 हो, कोई भी बेस नंबर हो तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जितने हमारे जीरो है बेस नंबर में उतने ही हम क्या राइट साइड के डेसिमल को काउंट करते हैं, डेसिमल है लास्ट में होता है को काउंट करके लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। दो जीरो है यहाँ पे तो यहाँ से हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे दो प्लेसेस, क्या हो गया 0.36। और देखिए डेसिमल के आगे, यहाँ पे डेसिमल के आगे सिर्फ दो ही डिजिट का फिक्स है और आगे बंद हो गया मामला, ये कैसा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है इसका वो है 1/11, ठीक। अब हमको उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिविजन परफॉर्म किया है, देखेंगे ये 1 है 11, जिसको डिवाइड करना है वो अगर डिविजन से छोटा हो तो क्या करना है, शुरुआत में कुछ नहीं करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है हमको टेबल बोल देना है, चाहे वो डिवाइड होता है चाहे नहीं होता। अब देखिए 11 वन 11 इससे ज्यादा हो जाएगा, अगर 1 ज्यादा है तो क्या करेंगे जीरोजा कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमने किया 11 0 0 सबट्रैक्ट कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया तो क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। अब सबट्रैक्ट करने के बाद में जो भी नंबर आता है वो इससे अगर छोटा है और आगे इसमें खत्म हो गया कुछ भी नहीं आगे तो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे, समझ में आ गया। डेसिमल लगाने के बाद में वी हैव द लाइसेंस टू पुट अ जीरो, हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हम क्या यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया क्योंकि पहले 1 बचा था और ये 1 छोटा 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा रही, पॉइंट लगाने के बाद हमको एक तरह से 1 लगाने का अधिकार मिलता है। तो चलिए अभी हमने यहाँ जीरो लगा दिया, 11 का टेबल बोलना है, अभी भी 1 ज्यादा हो जाएगा तो 11 0 का 0 हो गया, ठीक है। 11 0 0 हो गया, 10 में से 0 हो गया तो कितना बचा, 10 का 10 बच गया, अभी भी 10 11 से छोटा है तो हम क्या कर देंगे एक और 0 लगा देंगे। हर सबट्रैक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 लगाना है, लगातार नहीं लगाना है, एक और। तो 10 में से 0 गया तो 10, एक 0 हमने उतार दिया क्योंकि अभी भी छोटा था ये, 100 हो गया, 100 हो गया तो अभी क्या हो गया बताइए, ये यहाँ 0 बार में गया तो पहले गया 0 बार में, दूसरी बार भी 0 बार में, तीसरी बार 11 9 99 कितना आ गया 1 बचेगा, 1 बचेगा, अब 1 छोटा 11 से फिर हम 0, हर बार एक एडिशनल 0 लग जाएगा। 10 आ गया, 10 अभी 11 से छोटा है, 11 0 0 कितना बच गया, फिर 10 बच गया, 10 अभी छोटा है 11 से फिर हमने एक और 0 उतार लिया, 100 हो गया, 11 9 99 फाइनली बोर्ड 1। तो यहां अगर देखेंगे पैटर्न तो क्या आ रहा है, पॉइंट के आगे 0 फिर 9 फिर 0 फिर 9, 0 9 0 9 का पैटर्न आता जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 0 9 है ये आपस में क्या है बार 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 रिपीट हो रहा है, तो 0 9 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं बार, सो दिस कैन बी रिटन एज 0.09 बार। तो डेसिमल कैसा हुआ ये, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है बट इट इज अ रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारा है 4 and 1/8, ये है कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमको एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 8 32 और 1 33/8, अब हमको 33 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, सो हमने यहाँ किया हुआ 8 4 32 कितना बच गया 1 बच गया सबट्रैक्ट करने पर, ठीक है। अब 1 बच गया तो 1 देखिए छोटा है 8 से, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, जैसे ही पॉइंट लग गया हमने एक जीरो लगा दिया, ये हो गया 10, 8 1 8 कितना बच गया 2 2 बच गया, अभी 2 छोटा है 8 से, पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक और जीरो उतार दिया 20 हो गया, तो 8 2 16 हो गया, 16 हो गया सबट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, 4 अभी छोटा है सबट्रैक्ट करने के बाद में, फिर हमने एक और जीरो निकाल लिया यहाँ पे, पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, सो 8 5 40 फाइनली हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, दैट मीन्स इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया 4.125, तो हमने लिख दिया 4.125, खत्म हो गया डेसिमल, फाइनली रिमाइंडर 0 आया, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं अपॉन में उसका या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दो ही रूप हो सकते हैं, ठीक। चलिए
तीसरा हमारा नंबर है 3/13। चलिए 3/13 हमने कहां किया है, यहां किया। देखिए 3 4 12 13 - 12 क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब सब्ट्रैक्ट करने का 1 छोटा है तो क्या कर देंगे हम, 1 छोटा है तो हम क्या कर देंगे, यहां से पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, अब 3 कितना, 3 3 9 कितना बच गया, 1 1 बच गया, तो ये कितना हो गया, एक और 0 पुट करके 10 हो गया। तो अगेन 3 4 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पाएंगे कि क्या हो गया, 4.33 आ गया। और यहाँ पे 3 जो है हर बार आता जाएगा, सीधे नीचे बन बन जाएगा, फिर अगेन 10 हो जाएगा। पॉइंट हमारा लगा हुआ है, 0 निकालने पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9 मतलब बार बार ये 3 3 3 आता जाएगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म का क्या हो गया, 4.3 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/12 आ जाएगा। अब ये खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है। चलिए 2/11 देख लेते हैं कहाँ पे है, 2/11 ये रहा हमारा। चलिए 2 छोटा है तो 11 को पहले टेबल बोल देते हैं, 11 जीरो था क्योंकि 1 का ज्यादा होता है, 11 जीरो था 0, सबट्रैक्ट किया कितना बच गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब क्या हो गया बताइए, पॉइंट हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 20 11 1 11 यहाँ पे आ गया, 1 पे 11 1 11 कितना बच गया, 9 9 आ गया, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। तो 11 8 88 88 फिर सबट्रैक्ट किया, 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे। 11 1 11 फिर कितना आ गया, 9 9 के बाद फिर 0 उतार लिया हमने, तो 90 हो गया। 11 8 88 फाइनली हमको क्या बच गया, 2। तो यहाँ हम एक पैटर्न पाएंगे, यहाँ क्या चीज रिपीट हो रही है, 1 और 8 डिजिट जो होते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 8 के ऊपर 12 आ जाएगा। ये डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, क्लियर ये। चलिए जी अब अगला हमारा 329/400। अब ये देखिए यहाँ पे 2 जीरो, ये जीरो जो है 2 है, तो हम ये 2 जीरो को अलग करके 4 × 100 भी ले सकते हैं, और 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल कितना आता है। तो वो जो 2 जीरो है उसकी जगह हम अगर यहाँ 100 लिखते हैं तो 100 के 2 डेसिमल से यहाँ खिसक करके छोटा हो जाएगा नंबर, तो हम इसको ले सकते हैं 3.29। 2 डेसिमल खिसक गया, 2 जीरो हटा दिए, 3.29 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या यहाँ पे 0.825 तक क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो 3.29 को डिवाइड करना है हमको 4 से, ये रहा 3.29 डिवाइडेड बाय 4। चलिए 1/1 एक डिजिट लेना है एक बार में डेसिमल के पहले, 3 छोटा है 4 से, तो 4 0 0 कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब ये 3 बचा है तो क्या कर लेंगे बताइए, ऊपर से डेसिमल के आगे का उतार लेंगे 2। जैसे ही डेसिमल के आगे का डिजिट हमने उतार लिया, यहाँ पे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना, और जैसे यहाँ पॉइंट लग गया तो अभी 32 हो गया, 4 8 32 हो गया। तो अभी क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। अब ऊपर से क्या उतार लेंगे, 9 9 4 से छोटा है तो 4 2 8 कितना बच गया, माइनस कर लेते 1 बच गया। तो आगे फिर हम पॉइंट उतार चुके हैं तो आगे यहाँ कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो हम 0 लगा देंगे। पॉइंट एक बार लग गया तो एक बार में 0 लगा सकते हैं, तो 10 हो गया, 4 2 8 कितना बच गया, 2। पॉइंट लगा हुआ है, अगेन हमने 0 उतार लिया, 20 हो गया, 4 5 20 फाइनली हमको रिमाइंडर जो है वो कितना मिला, 0 मिला। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है क्या हो गया, 0.8225 वो हमने यहाँ लिख दिया, खत्म हो चुका है। सो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्लियर है ये सबको। तो आप इसको भी क्या प्रॉब्लम को नोट कर लेंगे, कुछ एग्जांपल और सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.3 का वो है, हमको दिया हुआ है 1/7 जो एक्शन है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमको दिया हुआ है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, क्लियर। तो ये हमको दिया है 0.142857 और इस ग्रुप ऑफ डिजिट्स देखें बार, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक। तो डिवाइड करके हमसे कर सकते हैं, दे रखा है हमको, हमको क्या करना है, 1/7 दिया है, 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यूज डेसिमल में निकालनी है लेकिन डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो डिवाइड करके तो निकाल सकते हैं, बट क्या बिना डिवाइड करके निकाल सकते हैं, इसको यूज करके बिल्कुल निकाल सकते हैं, चेक करते हैं क्या करेंगे। चलिए सॉल्यूशन हमारा क्या है, सबसे पहले हमको निकालनी है 2/7 की वैल्यू। अच्छा 2/7 को मैं ले सकता हूँ 2 × 1/7 भाई, इसके साथ में 2 1 कर सकता हूँ, तो 1/7 को मैंने अलग कर लिया, तो 2 × 2 ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसे 3/7 को ले सकता हूँ 3 × 1/7, 4/7 को ले सकता हूँ 4 × 1/7, सिमिलरली 5 × 1/7 एंड 6 × 1/7। अभी 2 ऐसा करके लिख देंगे और 1/7 की वैल्यू हमको पता है क्या है, ये क्लियर है, यहाँ पहुंच गया। अब हमको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है,
टू को सिर्फ इससे क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना। चलिए चेक करते हैं कैसे किया मल्टीप्लाई हमने। 2 7 14 और कैरी लग गया 1, क्लियर है। देन 2 5 10 और 1 11 11 का 1 कैरी लग गया 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 कैरी लग गया 1, 2 2 4 और 1 5 ये आ गया 5 हमारा, 2 4 8 ये आ गया 8, 2 1 2 ये आ गया, क्लियर है। तो और जितने 6 डिजिट पे बार था उतने डिजिट पे वापस किया जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक्चुअल में डिवाइड करके देखेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्लियर है। चलिए जी ये कैरी हम सब हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, 3/7 को 3 into 1/7 लिख सकते हैं, तो 3 into 1/7 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, सेम तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 20 1, 2 कैरी आ गया, यहाँ लग गया हमारा 1। चलिए 3 5 15 और 2 17 का 7 कैरी लग गया 1, 3 8 24 एंड 1 25, 5 द कैरी इज 2, 3 2 6 एंड 2 8 8, 3 4 12 कैरी इज 1 एंड 3 3 एंड 1 4 किया गया, ठीक है। सो द रिजल्ट इज 0.428571 एंड सेम 6 डिजिट के जो ग्रुप है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलो इसको भी हम रब कर देते हैं, इसी प्रकार से हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 4/7 जो है उसको हम 4 into 1/7 4 है, तो इसको हम सेम इससे इंटू कर लेंगे जैसे मैंने अभी किया, और हमको क्या है 4/7 5/7 और 6/7 के जो रिजल्ट हैं ये हम कैसे कैसे मिलते जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 एंड आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको रैशनल नंबर दिए हुए हैं और उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसको आपको सॉरी डेसिमल के फॉर्म में हमको दिया हुआ है, बार के रूप में दिए हुए हैं, इस तरह के नंबर से हमको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में बताया था हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म पी बाई क्यू, तो इसको हम एक बार और अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो एक बार यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे।